देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी संतुष्ट नहीं है। आप मनरेगा कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, आप स्कूलों के सफाई कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, ये तो सरकार दमनात्मक कार्रवाई पर उतर आई है। चाहे बिजली कर्मचारियों के साथ में किया हो, चाहे नई राजधानी के किसानों के साथ में किया हो, अब ये धमकी देकर बर्खास्त करने का काम कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि इन सब आंदोलनकारियों से बुलाकर चर्चा करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम पिछले एक महीने से बंद हैं, छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, स्कूलें खुलने वाली है, स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो अराजकता की तरफ जा रहा है। यहां पर मितानिन आंदोलन कर रही हैं, यहां पर सोसाइटी समूह के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहां पर अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, यहां पर सरकारी कर्मचारियों को जो अब केंद्र की सरकार ने डीए बढ़ाकर 36% कर दिया है, छत्तीसगढ़ में वो डीए खाली 24% दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह कंगाली की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है और पूरी तरह जनता की सेवा के काम पूरी तरह बंद पड़े हुए हैं। खाली मुख्यमंत्री दिखावे के लिए, पेपर में छपने के लिए और घूम रहे। कमेटी हर मामले में कमेटी गठित करने, लेकिन रिपोर्ट आज तक किसी के नहीं पहुंची। ये सरकार दो ही काम कर रही है, एक तो दिल्ली को पत्र लिखना, दूसरा कमेटियां गठित करना। खुद को क्या करना है उसके बारे में इनके पास में कोई जवाब नहीं है।